ग्वालियर की बात करेंगे जहां पर कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। ग्वालियर के फूलबाग स्थित सिंधिया रियासत कालीन गोपाल मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का तकरीबन 100 करोड़ कीमत के आभूषणों से श्रृंगार किया गया। प्रतिवर्ष की भांति जन्माष्टमी के मौके पर गोपाल कृष्ण भगवान का रियासत कालीन बेशकीमती आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है, जिन्हें देखने के लिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी पर दर्शन करने आते हैं। हमारे ग्वालियर में जन्माष्टमी काफ़ी ज़ोर शोर से मनाई जाती है। मुख्यतः यहाँ गोपाल मंदिर पुराना मंदिर है, पुरानी परंपरा है इसकी, और इसमें व्यवस्था पूरी लगाई गई है। इसमें कुछ जयकार वगैरह आने जाने का भी रहता है, तो वो भी व्यवस्था लगाई गई है। उसमें जीओ लगाए गए हैं और लगातार यहाँ पे फोर्स उपलब्ध रहेगा, जो आने जाने वालों पर भी निगाह रखेगा, असामाजिक तत्वों पर भी जो भी निगाह रखेंगे कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमारे शहर में द्वारकाधीश मंदिर, हमारे शहर में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव पर आज जिस तरह से हमारा पूरा देश, पूरा प्रदेश भगवान कृष्ण जन्म उत्सव को मना रहा है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रदेश की खुशहाली के लिए, इस देश की खुशहाली के लिए सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, सब अपने पर कृपा बनाए रखें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आज जन्माष्टमी की सबसे पहले आप सभी को शुभकामनाएं। शहर के कई मंदिरों में यह त्यौहार मनाया जा रहा है। हमारा गोपाल मंदिर नगर निगम के अधीन आता है और आज पूरे आभूषण से श्री कृष्ण जी और राधा जी का साज सज्जा किया गया, श्रृंगार किया गया है। हम सभी को ये इसमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ व्यवस्था की गई है। जन्माष्टमी पर्व का बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और अभी जेवर चढ़ चुके हैं, जो श्रद्धालुओं का भी तांता लगा हुआ है और प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है, किसी भी प्रकार की श्रद्धालुओं को दिक्कत ना आए इसका पूरा ख्याल रखा गया है और अभी इस समय पर बहुत अच्छी तरह दर्शन हो रहे हैं।